हेलो एवरीवन, दिस इज अ वन पैराग्राफ। यह पैराग्राफ जो है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है। इस पैराग्राफ में एक बच्चा है जो अपने फादर या पिताजी के बारे में बताता है, तो आप इस वे पे समझिएगा। पहले हम इस पैराग्राफ को रीड करेंगे, देन इसका ट्रांसलेट इंग्लिश में करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मेरे पिताजी एक किसान है, उसका नाम श्री चमनलाल है। वह 50 साल के हैं, उसके बाल काले हैं, वह बहुत मजबूत और स्वस्थ हैं। उन्हें लंबी सैर पर जाना पसंद है। वह चावल के खेतों पर रहते हैं। वह बहुत व्यस्त हैं, लेकिन उसे मेरे साथ ज़्यादा समय बिताना पसंद है। हम आम तौर पर एक साथ पार्क जाते हैं। हम पार्क में मस्ती करते हैं। हम कभी-कभी पार्क में एक साथ फुटबॉल खेलते हैं। वह महान पिता है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो चलो इसका इंग्लिश वर्जन देखते हैं। यदि इस पैराग्राफ का हमें नाम देना हो तो ऑब्वियसली हम माय डैड ही देंगे। मेरे पिताजी एक किसान है। किसान मतलब फार्मर। ये जितने भी सेंटेंस हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है, जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। माय डैड इज अ फार्मर। माय डैड इज अ फार्मर। उसका नाम श्री चमनलाल है। हिज नेम इज मिस्टर चमनलाल। हिज नेम इज मिस्टर चमनलाल। वह 50 साल के हैं। ही इज 50 ईयर्स ओल्ड। ही इज 50 ईयर्स ओल्ड। उसके बाल काले हैं। ही हैज ब्लैक हेयर। ही हैज ब्लैक हेयर। वह बहुत मजबूत और स्वस्थ हैं। ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। उन्हें लंबी सैर पर जाना पसंद है। लंबी सैर मतलब एक जैसे लॉन्ग वॉक में चलना कुछ लोग को बहुत अच्छा लगता है, ठीक उसी प्रकार इसमें लिखा है उन्हें लंबी सैर पर जाना पसंद है। ही लाइक्स टू गो फॉर अ लॉन्ग वॉक। ही लाइक्स टू गो फॉर अ लॉन्ग वॉक। वह चावल के खेतों पर रहते हैं, क्योंकि उनके पिताजी किसान हैं तो ऑब्वियसली कि वे खेत पे ही रहते होंगे, इसलिए इसमें लिखा है ही लिव्स ऑन राइस फार्म। ही लिव्स ऑन राइस फार्म। वे बहुत व्यस्त हैं, लेकिन उसे मेरे साथ ज्यादा समय बिताना पसंद है। वे काम में इतने बिजी रहते हैं फिर भी अपने बच्चों के साथ उसे समय बिताना अच्छा लगता है, इसलिए वे बताते हैं अपने पिता के बारे में कि वे बहुत व्यस्त हैं लेकिन उसे मेरे साथ ज्यादा समय बिताना पसंद है। ही इज वेरी बिजी बट ही लाइक्स स्पेंडिंग मच टाइम विथ मी। ही इज वेरी बिजी बट ही लाइक्स स्पेंडिंग मच टाइम विथ मी। हम आमतौर पर एक साथ पार्क जाते हैं। वी यूजली गो टू द पार्क टूगेदर। वी यूजली गो टू द पार्क टूगेदर। आमतौर को हम इंग्लिश में यूजली कहते हैं। हम पार्क में मस्ती करते हैं। वी एंजॉय इन द पार्क। वी एंजॉय इन द पार्क। हम कभी कभी पार्क में एक साथ फुटबॉल खेलते हैं। वी समटाइम्स प्ले फुटबॉल टूगेदर इन द पार्क। वी समटाइम्स प्ले फुटबॉल टूगेदर इन द पार्क। वह महान पिता है। वह अपने पिताजी के बारे में बताते हैं कि वह महान है। ही इज अ ग्रेट फादर। ही इज अ ग्रेट फादर। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव हिम वेरी मच। आई लव हिम वेरी मच। ये जो सेंटेंस है बहुत ही सिंपल है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो आप इजली इसे बना सकते हैं।